पटना में रजिस्ट्री के बाद साला ये घर तोड़ रहा है। ये हिटलर का कंट्री है क्या? आतंक के माहौल की तरह यहाँ का एसडीओ, यहाँ के एसडीओ पर केस करेंगे। आतंकी से ज्यादा बर्बर स्थिति कर दिया। छह साल ये 30 सालों से यहाँ बीजेपी नगर निगम में है। डिप्टी सीएम बीजेपी का है, उसके अंडर में आता है। ये इतने बुरे तरीके से पीटना बेटी को, माँ को, बहन को, एक एक राही को गाड़ी ठकुस दिया। मैं जा रहा हूँ, पैर फ्रैक्चर हुआ कि क्या मुझको दिखाना हॉस्पिटल। आप यार किसी को नहीं, आप हमको पीटो ना, खत्म कर दो, फिनिश कर दो। कल पूरे प्रदेश में पुतला दहन होगा। रहा है पटना में रजिस्ट्री के बाद साला ये घर तोड़ रहा है। ये हिटलर का कंट्री है क्या? चंगेज खां का है? नेपोलियन की कंट्री है क्या? आतंकी से ज्यादा बर्बर स्थिति कर दिया। छह साल ये 30 सालों से यहाँ बीजेपी नगर निगम में है। डिप्टी सीएम बीजेपी का है, उसके अंडर में आता है। ये अफसर है, आतंक के माहौल की तरह यहाँ का एसडीओ, यहाँ के एसडीओ पर केस करेंगे। आतंक का माहौल पैदा किया है। इतने बुरे तरीके से पीटना बेटी को, माँ को, बहन को, एक एक राही को गाड़ी ठकुस दिया। मैं जा रहा हूँ, पैर फ्रैक्चर हुआ कि क्या मुझको दिखाना हॉस्पिटल। आप यार किसी को नहीं, आप हमको पीटो ना, खत्म कर दो, फिनिश कर दो। कल पूरे प्रदेश में पुतला दहन होगा, उसके बाद धरना होगी, छोड़ेंगे नहीं लड़ाई। हमें वहीं पर चोट लगने के कारण हम अस्पताल चले गए। अब 2000 फोर्स लेकर के आए और जुल्म की बेहिंता पार कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ है, आप कार्रवाई कुछ करते हैं? मुआवजा आपने नहीं दिया, जमीन किसान की है, 27 लाख रुपया इकट्ठा आपको देना है। 92 के बाद रजिस्ट्री भी, बिजली दिया, सब कुछ दिया आपने। आप टैक्स लेते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सारी जिंदगी की कमाई लगा दिया वहां के लोगों ने, कुछ नहीं बचा है किसी के पास। दो आदमी आया, हार्ट अटैक कर गया लड़का। मुझे नहीं लगता वहां के कोई बच्चे सही होंगे, क्या बनेंगे कहना मुश्किल है। हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के पैर पकड़ते हैं, प्लीज इस जुल्म को रोक दीजिए, इस कार्रवाई को रोक दीजिए, कम से कम लाठी मत चलाइए। क्या शांतिप्रिय लोकतंत्र में बैठना गुनाह है? 144 लगा करके आप जुल्म कर रहे हैं, क्षमा करिएगा। ये माफी नवजोग नहीं है। और मैं यहाँ के बीजेपी के 6 MLA को कहना चाहूंगा, पता नहीं पटना क्यों इन गंदे लोगों को, कुकर्मी को, इन रास्कल को वोट देता है, मुझे नहीं पता। पटना बाढ़ में गायब था ये लोग, कोरोना में गायब था ये लोग, हर घटना में गायब होता है ये 6। और उसके बाद ये लोग मजे लेता है। ये पटना वासियों को सोचना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के चक्कर में मत फंसिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, गाली बीजेपी को नहीं पड़ेगी, गाली आपको पड़ेगी। क्या मैं आपको बताऊं?